डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में हम लोग लास्ट ठीक है वीडियो पे लगभग आ चुके हैं। आज आपको दो वीडियो मिलेगा, उसमें से जो पहला वीडियो है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पे। दूसरा वीडियो जो होगा वो होगा ट्रांसजेनिक्स और इथिकल इशूज पे। तो आप समझिए कि जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है, ठीक है, यानी कि तीन ही टॉपिक आपका बचा है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ट्रांसजेनिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, और तीसरा इथिकल इश्यूज। ये तीनों टॉपिक को आज हम दो वीडियो में कवर करेंगे। देखिए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस चीज क्या है, क्या है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस? तो सबसे पहली बात ये उठती है कि डायग्नोसिस है क्या, डायग्नोसिस टर्म का मतलब क्या होता है। कहता है कि कोई चीज, कोई सिम्टम मेरे बॉडी में मान लीजिए कि नजर आया, एबनॉर्मल सिम्टम जो नॉर्मल एक्टिविटी से हटके है। सपोज हमें फीवर हुई, हमें सर दर्द कर रहा है, ठीक है, हमें बॉडी पेन हो रहा है, हमें खांसी हो रही है, ये चार सिम्टम है। इस चारों सिम्टम को हमने एक दो दिन झेला, फिर हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लिख दिया, ठीक है, डॉक्टर ने लिख दिया विडाल टेस्ट। अब विडाल टेस्ट अगर डॉक्टर ने लिख दिया तो वो हमें बताएगा कि हमारे बॉडी के अंदर में साल्मोनेला टाइफी है या नहीं है, हमारे बॉडी के ब्लड में साल्मोनेला टाइफी है या नहीं है। अगर साल्मोनेला टाइफी है इसका मतलब कि हमें टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड के कारण फीवर आ रही है, टाइफाइड के कारण वीकनेस है, टाइफाइड के कारण बॉडी में पेन है, यानी कि हमें पता चल गया और हमारी मेडिसिन शुरू हो गई। यानी कि हमारे बॉडी में कोई सिम्टम किस पैथोजन के इन्फेक्शन के कारण हुआ है, सिंपली ये पता लगाना। या मान लीजिए, ठीक है, हमारा यूरिन बहुत ज्यादा हो रहा है तो पता लगाया जाएगा कि यूरिन क्यों ज्यादा हो रहा है, यूरिन में क्या पोटासियम कमी हो गई, यूरिन में सोडियम ज्यादा हो गया, यूरिन में यूरिया की कमी हो गई है, ठीक है, यूरिया ब्लड में ज्यादा तो नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा जी, ब्लड टेस्ट करवाएगा, यूरिन टेस्ट करवाएगा, ठीक है। तो कहता है ये जो डायग्नोसिस जो एक प्रोसेस है, ये एक्चुअली में लैब में जो टेस्ट रिपोर्ट होती है उसका एग्जामिनेशन है, उसके आधार पर ट्रीटमेंट। देखिए मैं आपको बता रहा था, लाइट चली गई थी, मैं आपको बता रहा था कि जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस में एक और टर्म यूज होता है पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, और एक टर्म और यूज होता है प्रोग्नोज। एक है आपका डायग्नोज और एक है आपका प्रोग्नोज। ये डायग्नोज और प्रोग्नोज दोनों में डिफरेंस क्या है? कहता है सबसे ऊपर में ही क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायग्नोज एंड प्रोग्नोज। खूब अच्छे से आप समझिए दोनों को, फिर आप लिखिएगा जरूर नोट्स में, ये डायग्नोज और प्रोग्नोज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कहता है डायग्नोज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि एक डॉक्टर है, ठीक है, आप गए कि नहीं मेरे पैर में इंजरी है, डॉक्टर ने एक्सरे करवाया और एक्सरे में उसने देखा और बोला कि नहीं आपके बोन ब्रेक हो चुके हैं, प्लास्टर करनी पड़ेगी। अब डॉक्टर ने उस एक्सरे के रिपोर्ट के आधार पे आपको क्या किया, ठीक है, आपके बोन को जोड़ा, प्लेट लगाया, प्लास्टर किया और आपको छुट्टी दे दी। दिस इज कॉल्ड डायग्नोस। हो गया डायग्नोस एक्सरे रिपोर्ट के आधार पे। बट अब डॉक्टर के पास सेकेंड बार जाएंगे तो वो अब जो देखेगा, ठीक है, अब जो देखेगा, ठीक है, और बताएगा आपको, दूसरी बार जब देखेगा तो भले उसने मतलब एक्सरे के आधार पे ही फिर देखा कि बोन जुड़ा या नहीं जुड़ा, प्लेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वो तब बताएगा कि आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, आपका बोन जुड़ने का फ्रीक्वेंसी क्या है, आपका बोन जुड़ने का मतलब स्पीड क्या है, आपका
हीलिंग ऑफ इंजरी का स्पीड क्या है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोज. प्रोग्नोज मतलब डॉक्टर्स व्यू ऑन द रिपोर्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ हीलिंग और ट्रीटमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर डिजीज. समझ गए होंगे आप, प्रोग्नोज का मतलब ये है और डायग्नोज का मतलब क्या है. पहली बार, ठीक है, किसी रिपोर्ट के आधार पे, चाहे वो पैथोलॉजिकल टेस्ट हो, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो सीटी हो, चाहे वो एमआरआई हो, उसके आधार पे ट्रीटमेंट शुरू करना. क्लियर पॉइंट. अब सुनिए, पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है. पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि जो आपका नॉर्मल कंडीशन है, जो नॉर्मल फिजिकल कंडीशन है, जो नॉर्मल केमिकल कंडीशन है, जो नॉर्मल आपके बॉडी का, ठीक है, मतलब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, उसमें किसी भी तरह का चेंज आना, ठीक है, उसको हम लोग, उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी. क्या बोलते हैं जी? पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी. ओके, अब देखिए, तो बताइए, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, पैथोफिजियोलॉजिकल, पैथोफिजियोलॉजी, ये तीनों समझ गया, समझ गया. चलिए, अब कहता है जो हमारा डायग्नोसिस है उसके दो तरीके हैं. एक है ट्रेडिशनल डायग्नोसिस और एक है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. प्यारे बच्चे, ट्रेडिशनल डायग्नोसिस क्या हुआ? आप एक डॉक्टर के पास गए, आपको कहा कि आपको, आपने कुछ सिम्टम बताया, आपको कहा कि यूरिन टेस्ट करवा लो. आप यूरिन एक, मतलब कंटेनर में आपने एक यूरिन भरा, ठीक है, यूरिन आपने लिया कंटेनर में और आप गए और पैथोलॉजी, कोई पैथोलॉजिकल जांच घर में आपने दे दिया, उसने रिपोर्ट दे दिया आपके यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा ये, कीटोन की मात्रा ये, ठीक है, यूरिया की मात्रा ये, क्रिएटिनिन की मात्रा ये, प्रोटीन की मात्रा ये सब आपको दे दिया और आप आए डॉक्टर के पास. उसने कहा, अच्छा, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन एक्सेसिव इन अमाउंट, इन एक्सेसिव अमाउंट ग्लाइकोसूरिया, ओ प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी इन यूरिन कीटोनूरिया. डॉक्टर को दिमाग में था, डॉक्टर के दिमाग में था आपका वो क्वेश्चन नीट वाला, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोनूरिया इज द कैरेक्टर ऑफ सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलिटस. और आपको बोल दिया, सर आप तो डायबिटिक पेशेंट हो गए. इस तरीके के डायग्नोस को बोलते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल डायग्नोसिस. ठीक है जी, कोई ब्लड, मतलब ये चेक कर लिया, मतलब ब्लड चेक किया, सिंपल लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ मिला, लिम्फोसाइटोसिस का केस मिला, ल्यूकोसाइटोसिस का केस मिला, क्या बोलेगा मालूम? सर आपको चेस्ट इन्फेक्शन है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ पड़ेगा, एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, बस हो गया. इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल डायग्नोसिस. बट वैसा डायग्नोसिस जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जिसमें हम जीन थेरापी का इस्तेमाल करें, जिसमें हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इस्तेमाल करें, जिसमें हम कहता है एलिसा टेस्ट का इस्तेमाल करें, और जो अर्ली डायग्नोसिस में मदद करे, दैट इज कॉल्ड मॉलिकुलर डायग्नोसिस या मॉडर्न, ठीक है, जो अर्ली डायग्नोसिस, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न डायग्नोसिस, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न डायग्नोसिस. देखिए, मॉडर्न डायग्नोसिस, ये ट्रेडिशनल डायग्नोसिस, ठीक है. अब देखो, अब इसको पढ़ो, देखो क्या है. कहता है मॉलिकुलर डायग्नोसिस फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग द पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पूरा बताया हो. कहता है डायग्नोसिस प्रोसेस टू डिटरमाइन द नेचर एंड कॉज ऑफ ए डिजीज थ्रू इवेल्युएशन ऑफ पेशेंट हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ लेबोरेटरी डाटा. ठीक है, ये हो गया. अब कहते हैं ये पैथोफिजियोलॉजी क्या है जी? स्टडी ऑफ चेंजेस इन नॉर्मल
मैकेनिकल फिजिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शन, ठीक है, कॉज्ड बाय डिजीज। हमारे बॉडी में डिजीज के कारण जो ये चेंजेज हुआ है उसका एग्जामिनेशन, उसका स्टडी, उसका देख रेख, उसकी मॉनिटरिंग। ओके, फिर मैंने आपको ऊपर बता दिया डिफरेंस बिटवीन डायग्नोज एंड प्रोग्नोज। क्लियर? डायग्नोज मतलब रिपोर्ट का व्यू, रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर का व्यू, और कहते हैं प्रोग्नोज मतलब डॉक्टर का एक्सपीरियंस के आधार पर प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट, ठीक है, आपका क्या प्रोग्रेशन रहा, हीलिंग रिपोर्ट क्या हो रही है, ठीक है। अब आइए मेथड ऑफ डायग्नोसिस, कहते हैं पहला ट्रेडिशनल, ठीक है, डायग्नोसिस। कन्वेंशनल मेथड, इट इज ए टाइप ऑफ कन्वेंशनल मेथड नॉन बायोलॉजी और एसोसिएशन ऑफ सिंगल एनालिस्ट ग्लूकोज या कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज का टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, शुगर का टेस्ट, वही यूरिन का टेस्ट, क्रिएटिनिन का टेस्ट, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल, ठीक है। चेक नेक्स्ट, अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल, इसमें अर्ली डिटेक्शन नहीं हो सकता, मतलब समय से पहले डिजीज होने से पहले उसके बारे में, ठीक है, अनुमान लगाना ये इसमें पॉसिबल नहीं है। कहता इन्वॉल्व सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, नॉर्मल आपको बताया। मॉडर्न डायग्नोसिस में क्या बोलिएगा, बाय आरडीटी, आरडीटी मतलब रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एलिसर, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे, ठीक है। कहता है सर्व्स पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, सर पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है। तो अब देखें इसमें क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो आपने पढ़ा ही है, पूरा का पूरा प्रोसेस आपने पढ़ा है, ठीक है। उसके थ्रू किसी में एंटीबायोटिक, जैसे किसी में कोई जीन डालना, एलियन डीएनए डालना, मान लिया कि कोई ऐसा जीन है जो किसी डिजीज के प्रति रेसिस्टेंट जीन है, उसको उसमें डालना, उसको उस एनिमल को ट्रांसफॉर्म कर देना, उसको उस डिजीज के प्रति रेसिस्ट कर देना, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मतलब डिजीज में, ठीक है, सहायता हो सकता है। जैसे मान लें कि इंसेक्ट से जो डिजीज कॉज होता था किसी प्लांट में, उसके कारण जो उसकी फसल की बर्बादी होती थी, जो उसका पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस भी होता था, मतलब हर तरह से जो प्लांट को नुकसान पहुंचाता था, ठीक है, जैसे गॉल वर्म डिजीज या और भी क्राउन गॉल डिजीज साइट्रस कैंकर के द्वारा, इस सब से बचने के लिए आपको पता है दो तरह के बैक्टीरिया का जीन का यूज किया गया, एक बैसिलस थुरिंजियनेसिस आपने पढ़ा है पीछे, और एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, इन दोनों के जीन को वहां पे यूज किया गया, यानी कि इस दोनों के जीन को रिकॉम्बिनेंट जीन में कन्वर्ट करके उस प्लांट में डाला गया, तब उस प्लांट में इंसेक्ट का लार्वा भी मर जाता था और निमेटोड का लार्वा भी मरता था। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस के जीन को डालने से, प्लांट में डालने से क्या होता था, निमेटोड रेसिस्टेंट हो जाता था वो प्लांट। और कहता है कि अगर मान लो कि बैसिलस थुरिंजियनसिस बैक्टीरिया का जीन, जो क्राइ जीन था, जो प्रोटीन बनाता था इनएक्टिव प्रोटीन, उसके डालने से वहां पे, ठीक है, कुछ इंसेक्ट ऐसे थे आर्मी वर्म, ठीक है, आर्मी वर्म, टोबेको बर्ड वर्म, ठीक है, सिलोप्टेरन, डायप्टेरन एंड लेपिडेप्टेरन ग्रुप के इंसेक्ट के लार्वा उस पर ग्रो नहीं कर पाते थे, मर जाते थे। तो बताइए ये भी तो क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है। कहते दूसरा क्या है, पीसीआर। पीसीआर के थ्रू क्या होता है, कहते हैं पीसीआर के थ्रू बिना, जब मान लीजिए हमें कोई इंफेक्शन हुआ, ध्यान से सुनिएगा, हमें कोई इंफेक्शन हुआ उसमें हमें कोई सिम्टम दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्यों, बैक्टीरिया का मल्टीप्लीकेशन नहीं हुआ है, वायरस का मल्टीप्लीकेशन नहीं हुआ है, या किसी पैथोजन का मल्टीप्लीकेशन नहीं हुआ है, लेकिन हम पीसीआर के द्वारा क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में ही कोई सिम्टम हमें दिखा रहा है, स्टार्टिंग में ही हम ब्लड लेंगे, उसमें जो न्यूक्लिक एसिड, फॉरेन बॉडी का जो न्यूक्लिक एसिड अलग से है, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और देखेंगे कि किसका इंफेक्शन है,
बैक्टीरिया का या वायरस का या किसी और पैथोजन का, यानी कि जो हमें बाहर से आया हुआ फॉरेन बॉडी है उसका हम क्या किए, उसके न्यूक्लिक एसिड का एम्प्लीफिकेशन कर लिए, किसके द्वारा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा कर लिए उसका ये एम्प्लीफिकेशन, और उसके द्वारा पता चलेगा कि हाँ कौन सा डीएनए है। इस पीसीआर का यूज हम लोग आजकल किस में करते हैं मालूम है? इस पीसीआर का यूज हम लोग करते हैं एचआईवी इंफेक्शन को चेक करने के लिए एड्स पेशेंट में। एचआईवी इंफेक्शन का क्या मतलब, इंफेक्शन मोड है, यानी कि पीसीआर का यूज हम लोग एचआईवी इंफेक्शन को डिटेक्ट करने में भी करते हैं। कहता इस पीसीआर का यूज हम लोग अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कैंसर में भी करते हैं, कैंसर के अर्ली डायग्नोसिस में भी पीसीआर का यूज करते हैं। क्लियर है पॉइंट? और बाकी बहुत सारे पैथोजन हैं जिनके मतलब डायग्नोस के लिए हम लोग पीसीआर का यूज कर रहे हैं। ओके, अब आइए, कहता है एलिसा टेस्ट, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोडेसोर्बेंट एसी ऐसे, कहता है ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है एलिसा का, ये है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के आधार पर। आपको पूछेगा कि एलिसा टेस्ट इज बेस्ट ऑन विच पॉसिबिलिटी, ऑन विच प्रिंसिपल्स, आप कहिएगा ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कोई डिजीज हमें हुआ है, किसी पैथोजन से हमें डिजीज हुआ है, तो वो पैथोजन जब हमारे बॉडी के अंदर आया है तो वो क्या रिलीज किया है, एंटीजन, जिसको एजी बोलते हैं, और कहता है उसके खिलाफ हमारे बॉडी ने क्या बनाया होगा, एंटीबॉडी, तो उसको क्या बोलते हैं, ए बी या ए बी एस। इसी एजी और एबीएस का रिएक्शन बार बार करवाया जाता है अलग अलग तरीके से, डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, सैंडविच मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और सैंडविच मेथड, इन तीनों के द्वारा एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन करवा के क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का यूज करके, ठीक है, कलर एनालिसिस करके हम टेस्ट करते हैं कि किसी में किस डिजीज का पैथोजन है, यानी कि किस डिजीज के पैथोजन का एंटीजन आया, उसको हम बारी बारी से टेस्ट करते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडी डाल के, या अगर एंटीबॉडी होता है तो स्पेसिफिक एंटीजन डाल के। ओके, क्लियर है पॉइंट? तो ये क्या है, ये एलिसा टेस्ट है, इंजाइम लिंक्ड, और वो जो कलर का एक्सप्रेशन देखा जाता है उसमें इंजाइम का यूज किया जाता है, यानी इंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी बोलेंगे या इंजाइम लिंक्ड एंटीजन बोलेंगे। क्लियर है पॉइंट? क्लियर पॉइंट? तो ये है आपका मॉलिकुलर डायग्नोसिस के बारे में एक छोटा सा वीडियो लेक्चर। हम लोग अगला जो वीडियो लेक्चर देखेंगे वो ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में देखेंगे। क्लियर है? उसका अगला देखेंगे इथिकल इश्यूज के बारे में। ट्रांसजेनिक एनिमल बहुत मजेदार है, उसमें आपको नाम आने वाला है डॉली, पॉली, मॉली, टेरा, ये वो सारा उनका एप्लीकेशन वो देखेंगे, और हो सकता है कि एक वीडियो आपका कौन दे, कौन सा वीडियो, वो होगा आपका यानी कि इथिकल इश्यूज का अलग से यही, लेकिन जो भी मिलेगा आज वीडियो मिलके ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।
हैं।